हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मीडियन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से मीडियन किस प्रकार से फाइंड होता है। याद रखना, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हमको क्लास इंटरवल दे रखा होता है, तो यहाँ पे भी मेरे को क्लास इंटरवल गिवन है। बताया था 0 to 10, 10 to 20, कुछ इस प्रकार से गिवन होता है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज से ये हमारा होता है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला चेंज हो जाता है सबके लिए, तो यहाँ पे भी चेंज है। तो समझ लेते हैं एक बार फॉर्मूले को। तो एम मीडियन इक्वल टू L1, L1 मीन्स होता है लोअर लिमिट, याद रखना ठीक। L2 आएगा तो अपर लिमिट होगा। L1 प्लस N/2, N/2 मीन्स है F का टोटल का हाफ करना है हमको, माइनस CF जो कि हम अभी करेंगे, अपॉन F इंटू I, ये हमारा है फॉर्मूला। तो आइए जो जो फॉर्मूला डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से हम चीज निकालते हैं। तो ये हमारे पास वेजेस रेट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है एंड CF। CF मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार बता देता हूँ। 22 का 22, देन ये सब प्लस होते चलता है, ये प्लस कुछ इस प्रकार से, ये इसमें प्लस हुआ तो आ गया 60 में ये प्लस हुआ तो 106, ऐसे करके ये हमारा CF बन जाता है। तो सबसे पहले हमको जो मीडियन में फाइंड आउट करना पड़ता है वो करना पड़ता है N/2। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं N/2। N/2 TS टर्म का मतलब होता है जो F का टोटल है उसी को हम nth टर्म बोलते हैं। तो 161/2 कर देंगे, 161/2 टर्म, तो आ गया इसका 80.5, ये आ गया 80.5th टर्म। ओके, अब जो 18.5 है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, किस में फाइंड आउट करते हैं हम, इसमें देखेंगे F में। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से नंबर पे 80.5 आ रहा है, तो देखिए 22 भी नहीं, 30 आ तो देखिए किसी में भी नहीं रहा है। बट अब हमको क्या लेना पड़ता है, या तो एग्जैक्ट यही आए या फिर इससे कम आए, ये लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, बट हाईएस्ट कौन सा है इसमें। अब हाईएस्ट हमको चल रहा है यहाँ पे 46 है भाई, इससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इसके इक्वल टू नहीं है, बट इससे बड़ा तो है, इससे तक आ तो आएगा इसके लगभग। तो ये हो जाएगा हमारा F। याद रखना, जो भी नंबर है, जो भी ये जहाँ पर भी बिलोंग करेगा वो हो जाएगा हमारा F, और इससे जस्ट ऊपर वाला, इस F से जस्ट ऊपर वाला होता है हमारा CF, याद रखना ठीक है। एक बार बता रहा हूँ दोबारा, जो F है F से जस्ट ऊपर वाला होता है हमारा CF, ठीक है ठीक। तो ये आ गया हमारा कितना, F46 आ गया। अब जो जो फॉर्मूले में डिमांड है उसके अनुसार हम इनको पुट कर देते हैं। M इक्वल टू L1, याद रखना ये वाला ही हो जाएगा पूरा, ये है तो 20 है वो हमारा L1 है और 30 है वो हमारा L2 है, हमको क्या चाहिए L1, तो 20 हो जाएगा L1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20 प्लस N/2 जस्ट अभी निकाला हमने 80.5, तो हो जाएगा हमारा 80.5 माइनस CF जस्ट अभी माने हमने 60, ये हो जाएगा 60 अपॉन F भी हमने माना, याद रखना F का टोटल मत कर देना, F हमने जो माना है वो लिखना पड़ेगा हमको। तो 46 मल्टीप्लाई बाय I का मतलब है हमारा जो हमने प्रीवियस वीडियो में माना था C, बस सेम है हमारे पास I का मतलब हो जाता है इन सब का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, तो 10 का डिफरेंस है, तो हम कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई। देन सॉल्व करते हैं, M इक्वल टू 20 प्लस 80.5 में से 60 गए, तो 20.5 अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाय 10। देन हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, जीरो लगा लिया, जीरो से जीरो गया, तो 20 प्लस 205 अपॉन 46। देन हम इसका डिवाइड देंगे, तो 20 प्लस 4.46, देन हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 24.46। तो ये हो गया हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन इस प्रकार से कुछ फाइंड होगा।
ये है हमारा आंसर, और कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट मीडियन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। थैंक यू।